रतलाम जिले भर में कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन में आवश्यकता अनुसार खुली रहने वाली दुकानों पर दाम से अधिक दाम लेने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही को लेकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने राजस्व विभाग के लोगों को निर्देशित कर रखा है। कार्यवाही किसी कड़ी में जिले के पिपलोंदा नगर में पुराना बस स्टैंड स्थित सुराना किराना दुकान के दाम में अधिक रुपए लेकर सामान बेचा जा रहा था। मामले की शिकायत नगर के वार्ड नंबर 13 निवासी प्रवीण सिंह तंवर ने रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी को फोन पर की। शिकायत के बाद पिपलोंदा तहसीलदार स्वाति तिवारी, कस्बा पटवारी रमेश रविदास सहित पिपलोंदा थाना प्रभारी अंजुल अयंक मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन कार्यवाही को लेकर दुकान पर प्रशासनिक सील नहीं लगाते हुए केवल ताला लगाया गया। रहवासी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने कार्यवाही को लेकर केवल खानापूर्ति की है। जब मीडिया कर्मियों ने तहसीलदार स्वाति तिवारी से उनके द्वारा की गई प्रशासनिक कार्यवाही को लेकर वर्जन लेना चाहा, तो मैडम ने उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर यह कहते हुए बल्ला झाड़ लिया कि मैं इस संबंध में कोई वर्जन नहीं दूंगी। तहसीलदार स्वाति तिवारी का कार्यवाही को लेकर मीडिया को वर्जन देने से मना करने से यह सहज अनुभव किया जा सकता है कि कार्यवाही को लेकर कुछ न कुछ तो लिपापोती हुई है। रतलाम से राहुल बिरागी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।